में डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ, आपका हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो के माध्यम से हम आपको कक्षा पहली के तीसरी लिस्ट के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। जी हाँ, कक्षा पहली की तीसरी लिस्ट यानी तीसरी सूची केंद्रीय विद्यालय संघ ने अपनी वेबसाइट पर निकाल दी है, उसी के संदर्भ में आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आप सभी से यह अपील करना चाहेंगे कि हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब हम जानें कि आप कैसे देख सकते हैं कक्षा पहली की तीसरी लिस्ट यानी कि तीसरी सूची। हम आपको बताना चाहेंगे कि जिन केंद्रीय विद्यालय में कक्षा पहली की पहली सूची के बाद सारी सीट्स भर गई, उन्होंने दूसरी लिस्ट यानी दूसरी सूची नहीं निकाली, उसी प्रकार जिन स्कूल्स में दूसरी लिस्ट यानी दूसरी सूची के बाद सीट सारी फिल हो गई, सीट सारी भर गई, उन्होंने तीसरी लिस्ट नहीं निकाली, तीसरी सूची नहीं निकाली। तीसरी सूची केवल उन्हीं स्कूलों ने निकाली है जिनके पास अभी भी सीट्स खाली है। तो अब हम जानेंगे कि हम तीसरी लिस्ट यानी तीसरी सूची कैसे देख सकते हैं। तीसरी सूची देखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप स्कूल जाएं, स्कूल के नोटिस बोर्ड पर देखें कि आपके बच्चे का नाम आया है कि नहीं। यदि बच्चे का नाम आया है तो एडमिशन प्रक्रिया एकदम शुरू कर दें। और दूसरी लिस्ट है कि आप इंटरनेट पर देखें कि आपके बच्चे का नाम प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के तहत आया है कि नहीं। लेकिन फिर भी हम कहेंगे इंटरनेट पर जानकारी लेने के बाद, अपने बच्चे का नाम देखने के बाद, आपके बच्चे का नाम स्कूल की एडमिशन लिस्ट पर होना, स्कूल के जो नोटिस बोर्ड पर एडमिशन लिस्ट है कक्षा पहली की तीसरी सूची, उसमें होना बेहद ज़रूरी है। तो देखिए अब हम कैसे देखें, इंटरनेट का प्रयोग करते हुए गूगल पर केंद्रीय विद्यालय संघ के द्वारा जो अलग अलग स्कूल की वेबसाइट बनाई गई है उन पर कैसे हम कक्षा पहली के तीसरी लिस्ट की जानकारी ले सकते हैं। आपके सामने हमने गूगल वेबसाइट खोली है, अब हम इस पर उस स्कूल का नाम डालेंगे, उस स्कूल का जहाँ पर हमने अप्लाई किया हुआ है। इस बार हम दिल्ली की किसी जगह का नाम नहीं डालेंगे क्योंकि हमें बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स ने कहा कि मैम आप हमेशा दिल्ली के स्कूल्स की ही जानकारी देते हैं, दिल्ली के स्कूल्स का ही उदाहरण देते हैं। इस बार हम दिल्ली के बाहर के एक स्कूल का उदाहरण देकर आपको बताएंगे कि कैसे कक्षा पहली की तीसरी लिस्ट आप देख सकते हैं। यह स्कूल वेस्ट बंगाल में है, हमने वहाँ की वेबसाइट खोली है। हम एडमिशन लिस्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने इस प्रकार लिस्ट आ गई है, देखिए इन्होंने सारी लिस्ट डाली हुई है, कक्षा पहली की पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट। इस स्कूल में कक्षा दूसरी से कक्षा सातवीं तक दाखिला भी हुआ है, उसकी जानकारी भी दी है। देखिए सबसे ऊपर लिखा है सिलेक्ट लिस्ट 3 फॉर क्लास 1 सेशन 2019-20, मतलब कि तीसरी सूची कक्षा पहली की सत्र 2019-2020 की इस प्रकार है। आगे लिखा हुआ डाउनलोड हेयर, यहाँ पर क्लिक करें। यह देखिए आपके सामने लिस्ट आ चुकी है, कक्षा पहली की तीसरी लिस्ट यानी तीसरी सूची केंद्रीय विद्यालय संघ ने जारी कर दी है। देखने के दो तरीके हैं, इंटरनेट पर आप स्कूल की वेबसाइट का नाम डालें और उस पर सूची को देखें, लेकिन स्कूल के एडमिशन जो एडमिशन लिस्ट है, स्कूल के नोटिस बोर्ड पर जो लिस्ट डाली गई है, लिखी गई है या जो लगाई गई है, उसमें आपके बच्चे का नाम होना बेहद ज़रूरी है, तभी स्कूल वाले आपको दाखिला देंगे। यहाँ पर भी प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट में आपके बच्चे का नाम होना चाहिए, देखिए लिखा हुआ है प्रोविजनली, सबसे ऊपर लिखा हुआ प्रोविजन सिलेक्ट लिस्ट, यानी कि वह बच्चे जिनका प्रोविजनली सिलेक्शन हो गया है, मतलब कि इन बच्चों का नाम आ गया है, अगर उन्होंने कागजात सारे जमा करवाए सही समय पर तो इन बच्चों का दाखिला हो जाएगा, इसीलिए प्रोविजनली है, मतलब कि दाखिला इन बच्चों को मिलेगा लेकिन उन्हें अपने कागजात जमा करवाने होंगे सही समय पर, सही कागजात। उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।